नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अपूर्व पांडे है। फाइनल कट प्रो एक्स ट्यूटोरियल के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंस्पेक्टर की। दोस्तों, ये जो पैनल है इसको हम लोग इंस्पेक्टर बोलते हैं। यहां पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है शो और हाइड द ब्राउजर। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका ब्राउजर हाइड हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको टाइमलाइन हाइड करनी है तो आप अपनी टाइमलाइन को हाइड कर सकते हैं। और अगर आपको अपना इंस्पेक्टर पैनल को हाइड करना है तो आप यहां से क्लिक करके अपने इंस्पेक्टर को भी हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो इंस्पेक्टर का एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी क्लिप से रिगार्डिंग जो भी बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपके इंस्पेक्टर में शो होती है। ये जो आइकन है ये वीडियो इंस्पेक्टर का है, ये जो आइकन है ये कलर इंस्पेक्टर है, ये ऑडियो इंस्पेक्टर है और ये इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर है। तो आपकी क्लिप से रिलेटेड जितनी भी वीडियो प्रॉपर्टी है वो आपके वीडियो इंस्पेक्टर में शो होगी। आप अपनी क्लिप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं, अपने क्लिप को रोटेट कर सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं स्केलिंग के थ्रू, और साथ में ही आप अपने क्लिप को क्रॉप भी कर सकते हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी वीडियो काफ़ी हिल रही है तो आप उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। रोलिंग शटर, कंपोजिटिंग के भी फीचर आपको वीडियो इंस्पेक्टर में मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको अपना वीडियो का कलर करेक्शन करना है तो आप कलर इंस्पेक्टर के हेल्प से अपने वीडियो के कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उसका एक्सपोजर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ऑडियो इंस्पेक्टर से आप अपने क्लिप की वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ में ही आप ऑडियो एनहांसमेंट्स कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो को इक्वलाइज कर सकते हैं, लाउडनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ है तो आप नॉइज़ रिमूव कर सकते हैं, और साथ में हम रिमूव करने का भी ऑप्शन आपको ऑडियो इंस्पेक्टर में मिलता है। इसके अलावा अगर आप अपने क्लिप में इफ़ेक्ट या फिर टाइटल या फिर ट्रांजिशन यूज़ कर रहे हैं तो वो सब भी आपको इस इंस्पेक्टर में दिख जाता है। आप देख सकते हैं मैंने ये इफ़ेक्ट अपने क्लिप में डाला है, तो यहाँ पे इंस्पेक्टर पैनल में आप देख सकते हैं इफेक्ट मेरा यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं कोई ट्रांजिशन डालता हूँ दो क्लिप के बीच में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ट्रांजिशन आ चुकी है, ये ट्रांजिशन इंस्पेक्टर बन के आ चुका है। इसके बाद अगर मुझे अपने क्लिप में कोई टाइटल यूज़ करना है, यहाँ से अगर मैं टाइटल लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा टेक्स्ट का इंस्पेक्टर बन के आ चुका है, ये टाइटल इंस्पेक्टर है मेरा। ये जो टाइटल, ट्रांजिशन और इफेक्ट्स हैं ये सब हम अगले लेक्चर्स में इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये इंस्पेक्टर किस तरह से काम आता है। यहां पर मैंने अपने क्लिप को सेलेक्ट किया। वीडियो इंस्पेक्टर में सबसे पहला ऑप्शन है ब्लेंड मोड। अगर मैं अपनी एक क्लिप को दूसरे क्लिप के साथ ब्लेंड करना चाहता हूं तो मैं ब्लेंड मोड का यूज करूंगा। यहां पर से मैं क्लिप सेलेक्ट करता हूं, अब अगर मुझे इन दोनों क्लिपों को ब्लेंड करना है तो मैं यहां पे ब्लेंड मोड में जाऊंगा। यहां पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप कुछ भी सेलेक्ट करके अपने क्लिप को ब्लेंड कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। मैं इसको नॉर्मल करता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपेसिटी का। आपके बैकग्राउंड में जो भी क्लिप है अगर आप उसको विजिबल करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाली क्लिप की ओपेसिटी कम कर दीजिए तो आपका बैकग्राउंड की क्लिप या इमेज विजिबल हो जाएगी। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म। अगर आपको अपनी क्लिप की
पोजीशनिंग चेंज करनी है तो आप उसको एक्स एक्सेस या फिर वाई एक्सेस से चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए मैं मैन्युअली या तो वैल्यू पुट कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे माउस को क्लिक करके इसको स्लाइड करके भी इसकी पोजीशनिंग को चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट है रोटेशन। आप इस लीवर के थ्रू अपनी क्लिप को रोटेट कर सकते हैं या फिर आप यहां पर वैल्यू असाइन करके भी अपनी क्लिप को रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी क्लिप को रिसाइज करना है तो आप स्केल के थ्रू वो रिसाइज कर सकते हैं। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये एरो। ये एरो क्या करता है, आपने जो भी अपने क्लिप में चेंजेस किए हैं ये इसको वापस से रीसेट कर देता है। तो देखते हैं, अगर मैं स्केल के सामने जाके रीसेट पे क्लिक करता हूँ, रोटेशन और पोजीशन, तो आप देख सकते हैं मेरी क्लिप रीसेट हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा होगा और डिस्टॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये जो क्रॉप और डिस्टॉर्ट ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर भी होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है, क्रॉप का ऑप्शन मिल रहा है और डिस्टॉर्ट का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपको क्लिप में कुछ कलर करेक्शन करना है तो आप कलर इंस्पेक्टर में जाके आप यहाँ से एक्सपोजर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप सैचुरेशन को बढ़ा या कम कर सकते हैं या फिर आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसको भी रीसेट करते हैं अभी। दोस्तों, कलर करेक्शन के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है ऑडियो इंस्पेक्टर। अगर आपकी क्लिप में ऑडियो है, आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे वेव फॉर्म है, तो आप यहाँ पर से वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप मेरे वेव फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको कम करूँगा तो यहाँ पे वेव फॉर्म कम हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऑडियो अनाउंसमेंट्स हैं, इक्वलाइजेशन, लाउडनेस, नॉइज रिमूवल, हम रिमूवल, इन सब के बारे में भी हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। और यहाँ पर आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्टर। ये क्या करता है, आपकी क्लिप से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर शो होगी। क्लिप का नेम, लास्ट मॉडिफाइड, नोट्स अगर आप लिखना चाहते हैं, वीडियो रोल्स देना चाहते हैं, ऑडियो रोल्स देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्टर में मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हमारे, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन, क्रॉप का ऑप्शन और डिस्टॉर्ट का ऑप्शन, इन सब के बारे में। आप चाहे तो यहाँ पर इंस्पेक्टर से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं या डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले मुझे ट्रांसफॉर्म करना है अपनी क्लिप को, इसको मैं छोटा करता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे ब्लू डॉट्स आ चुके हैं। ये सारे क्या हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए मेरा एस्पेक्ट रेशियो सिमिलर रहे, तो मैं यहां से या फिर यहां से, यहां से या फिर यहां से अपने क्लिप को ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो इससे क्या रहेगा, इससे मेरा एस्पेक्ट रेशियो सेम रहेगा। यहां पर से ही मैं अपनी क्लिप को पोजीशन को भी चेंज कर सकता हूं और इस लीवर के थ्रू मैं अपनी क्लिप को रोटेट भी कर सकता हूँ। तो आपको मैन्युअली इंस्पेक्टर में ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी अपनी क्लिप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डन करते हैं। अब अगर आपको इसको रीसेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको रीसेट भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखते हैं। अगर आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है ट्रिम, दूसरा है क्रॉप और तीसरा है कैन बर्न्स का। एक एक करके तीनों को देखते हैं। सबसे पहले ट्रिम। अगर मुझे सिर्फ ये फूल अपने क्लिप में चाहिए तो मैं कैसे इसको ट्रिम करूंगा देखते हैं। आप देख सकते हैं मेरी जो ऊपर वाली क्लिप थी वो ट्रिम हो चुकी है। इसको वापस से रीसेट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रॉप का।
तो अगर मुझे सिर्फ यही वाला एरिया चाहिए तो मैं क्रॉप करता हूं इसको, डन करेंगे। तो आप देख सकते हैं जितना मैंने एरिया क्रॉप किया है वो आगे आ चुका है, उसने पूरे प्रीव्यू को फिल कर लिया है। इसको भी रीसेट करते हैं। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं केन बर्न्स का। जैसे ही आप केन बर्न्स पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे दो हाईलाइट बन के आ चुकी है, एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और रेड आपका एंड पॉइंट है। तो यहां से आप क्लिप को स्टार्ट करेंगे और आपको कहां तक जूम इफेक्ट चाहिए वो आप एंड पॉइंट लगाएंगे वहां तक। तो सपोज मुझे यहां तक जूम चाहिए और इसको मैं डन कर दूंगा। अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूं, यहां से प्ले करता हूं स्पेस बार दबा के, तो आप देख सकते हैं जूम का इफेक्ट क्रिएट हुआ है। फिर से देखते हैं और ये काफी नीट भी है। तो इसको भी हम लोग अब रीसेट करते हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन है वो है डिस्टॉर्ट का। अगर आप ग्राफिक्स का यूज कर रहे हैं, सपोज आपके ग्राफिक्स में टीवी स्क्रीन है, अब आपको अपनी क्लिप को टीवी के स्क्रीन में फिट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप डिस्टॉर्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहां से आप अपने क्लिप को डिस्टॉर्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने क्लिप को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपने देखा हमने एक इफेक्ट दिया है, आप इसके इफेक्ट को भी यहां पे इंस्पेक्टर लाइब्रेरी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये डायरेक्शनल ब्लर है, यहां पे ट्रांजिशन हमने दी है, आप ट्रांजिशन को हॉरिजॉन्टल बैंड्स, वर्टिकल बैंड्स यहां पे आप देख रहे हैं, आप चेंजेस कर सकते हैं ट्रांजिशन में। और फिर यहां पर आपको टाइटल दिख रहा है, आप टाइटल को यहां पर से चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। टाइटल ट्रांजिशन और इफेक्ट्स के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में और अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने इंस्पेक्टर को समझा और साथ में ही हमने ट्रांसफॉर्म, क्रॉप और डिस्टॉर्ट किस तरह से किया जाता है वो भी सीखा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।